लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 42। एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक ब्लॉक रख रखा है जो रेस्ट पे है, एलिवेटर भी रेस्ट पे है एंड ब्लॉक भी रेस्ट पे है। अब हमें बोला है कि ये सडनली स्टार्ट होता है एलिवेटर, और एलिवेटर का एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इतना एक्सेलरेशन पॉसिबल है क्या? जैसे आपने ये एलिवेटर कैसे चलता है, यहाँ से बंधा हुआ होता है पीछे से और नीचे वेट लगा होता है, तो हमेशा हमारे पास जो एलिवेटर है वो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 9.8 या फिर अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि नीचे की तरफ किसी फोर्स से हम सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही पुल करते हैं नीचे की तरफ। बट इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन 10 से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम फोर्स नहीं लगाते और सिंपल ग्रेविटी से इसको पुल करते नीचे, तो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता था, बट ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इसलिए इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेट, ओके। अब इस पूरे एलिवेटर का एक्सेलरेशन तो इतना है, तो इस ब्लॉक का कितना होगा? इस ब्लॉक का देखो, इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स इस एलिवेटर के ऊपर, और ये ब्लॉक बंधा हुआ नहीं है यहाँ से, ठीक है? तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर सिर्फ mg फोर्स है, इसका मास, ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? जी आएगा, इसका एक्सेलरेशन जी होगा और इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये एलिवेटर नीचे आएगा और ये भी नीचे आ रहा है, बट दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जो ब्लॉक है वो थोड़ा ऊपर रहेगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मान लो मेरे हाथ पे पेन है, आप थोड़ा ऊपर उठा के रखो उस पेन को और फिर एकदम से हाथ को नीचे लो, तो क्या होगा? एकदम से हाथ को नीचे लोगे तो आपका पेन धीरे धीरे आएगा और हाथ जल्दी नीचे चला जाएगा, क्योंकि हाथ का एक्सेलरेशन आपने 10 से ज़्यादा रखा है और पेन का एक्सेलरेशन सिर्फ 10 ही है। पेन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होगा, क्योंकि इसको आपने छोड़ दिया ना। पहले तो क्या हो रहा था, आपने ऊपर फोर्स लगा रखा, पेन नीचे फोर्स लगा रखा है, तो पेन स्टेबल था, ठीक है? बट जैसे आपने हाथ को जोर से नीचे लिया तो पेन क्या धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि पेन का एक्सेलरेशन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि पेन के ऊपर कोई फोर्स नहीं है और आपके हाथ पे आपने मस्कुलर फोर्स से नीचे ले लिया ज़्यादा एक्सेलरेशन 10 से ज़्यादा, राइट? तो ये पेन धीरे धीरे ऊपर आएगा। वापस कर सकते हो आप, ऐसे धीरे ऐसे करोगे, ऊपर से करना थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा, खड़े होकर करोगे तो आ जाएगा। ओके, ये क्लियर? अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल और देखना हो तो जैसे आप बस के ऊपर हो और बस चल रही है। अब अगर आप बस के ऊपर कूदोगे तो क्या होगा? आप पीछे रह जाओगे, हाँ, आप पीछे रह जाओगे और बस आगे चली जाएगी, क्योंकि बस का एक्सेलरेशन है, आप कूदे तब आपका एक्सेलरेशन नहीं रहा। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, ठीक है? और इसका ये इससे कनेक्टेड नहीं है कोई फोर्स, अगर मैं यहाँ पर हिंज लगा के कनेक्ट कर लूँ तो इसका एक्सेलरेशन भी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ कोई हिंज नहीं है, ये फ्री है, तो ये नीचे चला जाएगा और इसका इसके ऊपर फोर्स तो mg है, तो ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा। अब हमें बोला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है? अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन तो इतना ही है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है। तो ये नीचे तो जाएगा ही श्योर है, बट क्या होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा नीचे जाएगा, ये यहाँ चला गया, बट अब ब्लॉक को भी यहाँ आना चाहिए था, बट ब्लॉक थोड़ा पीछे रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो वो कितना यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताना है अपने को बस। तो एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 0.2, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इनिशियली रेस्ट पे था, हाफ एक्सेलरेशन 10 टाइम 0.2 इंटू 0.2, आंसर कितना आ जाएगा अपना 0.2 मीटर, या फिर बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।